धनबाद कतरास 121 वर्ष पुराने धनबाद चंद्रपुरा की 34 किलोमीटर रेलवे लाइन को पटरियों के नीचे आग का हवाला देकर डीजीएमएस की गलत रिपोर्ट एवं बीसीसीएल की षड्यंत्रकारी नीति के कारण 15 जून 2017 से इस मार्ग पर चलने वाली 26 जोड़ी ट्रेनें को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण सीधे तौर पर लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए, करोड़ों रुपए का रोजगार प्रभावित हुआ। इस 20 माह के दौरान रेलवे को राशों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एवं जनता की गुस्सा को ध्यान में रखकर सरकार ने पुनः परिचालन के लिए एक टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। निरीक्षण के बाद टीम ने ये साफ कर दिया कि इस रेलवे लाइन के नीचे किसी भी तरह की आग नहीं है और कोई खतरा नहीं है, ट्रेनों को फिर से चलाया जा सकता है, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने इस मार्ग पर फिर से ट्रेनों को चलाने के लिए तिथि निर्धारित किया एवं रविवार को धनबाद रेल मंडल के डीआरएम, धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह, बागमारा विधायक डुल्लू मातो, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, गिरिडीह के सांसद रविंदर पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कतरासगढ़ स्टेशन से अलपूजा एक्सप्रेस 13351 को रवाना किया। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए कतरास के हजारों लोग सुबह से ही स्टेशन परिसर में जमे हुए थे। आपको बताते चले कि ट्रेन बंद होने के बाद कतरास की जनता धनबाद नगर निगम के पार्षद डॉक्टर विनोद गोस्वामी के नेतृत्व में रेल दो या जेल दो आंदोलन महाधरना के द्वारा अपना विरोध प्रकट करती रही। साथ ही कार्मिक विकास मंच के नीतीश ठक्कर के द्वारा प्रत्येक दिन स्टेशन परिसर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता रहा। ट्रेन बंद होने के प्रारंभिक दिनों में टाइगर फोर्स के सुप्रीमो धर्मजीत सिंह के द्वारा विशाल जनसमूह की रैली लेकर धनबाद डीजीएमएस के कार्यालय का घेराव किया गया। जागो संस्था के द्वारा ट्रेन चालू करने के लिए अनशन भी किया गया। एक तरफ कतरास बाजार की जनता, महिला पुरुष, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सड़क पर उतरकर आंदोलन करते रहे, वहीं दूसरी ओर रेल दो या जेल दो के आंदोलनकारी विनोद गोस्वामी ने पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश लाल के साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति को बताते रहे। गांव को अपने मंच पर बुलाकर सरकार का एवं रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। कतरास की जनता का जिद और जुनून या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में जनता की नाराजगी को देखते हुए सरकार को नतमस्तक होना पड़ा और अंत में इस मार्ग पर फिर से 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन आरंभ हुआ। जहां तक इस मार्ग पर ट्रेनों का पुनः परिचालन का श्रेय लेने की बात है तो इस मामले में बागमारा के विधायक डुल्लू मातो भी धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल बनकर कई बार रेल मंत्रालय का चक्कर लगा चुके हैं एवं विधानसभा में भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। वहीं कतरास की जनता एवं आंदोलनकारियों ने भी मजबूत तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया एवं अंजाम तक पहुंचाया, जिसका परिणाम आज सामने है। ये लोग थे मौजूद मौके पर। धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह, गिरिडीह सांसद रविंदर पांडे, बागमारा विधायक डुल्लू मातो, धनबाद विधायक राज सिन्हा के संस्थापक डॉक्टर विनोद गोस्वामी मौजूद थे। अपार जीत का प्रदर्शन पूरे धनबाद से लेकर जिस स्टेशन से पूजी है लोग हाथ मिलाकर उसी का इजहार कर रहे हैं। और कतरास में तो आपने देखा कि अपार कम संख्या लोग से मिलते पार्टी लाइन से ऊपर सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कष्ट हुआ है, चाहे जिसकी गलती से कष्ट हुआ, उसके लिए हमने क्षमा याचना भी किया है। साथ ही साथ यह भी कि जो सभी जोड़ी गाड़ी
चलती थी उस गाड़ी को फिर से इस जगह पर चलाने का आगे का हमारा प्रयास। वास्तव में आज के दिन तो यह तो ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है, इसमें लोगों को खुशी तो अपार खुशी है और विशेष करके जो एक उम्मीद थी लोगों की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है लोगों की अपेक्षाओं के प्रति, तो पूरी तरह से यह जो सरकार है वो चाहे केंद्र में रघुवर दास जी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या राज्य के अंदर रघुवर दास जी की सरकार हो, यह दोनों सरकार ने साबित किया है कि संवेदनशीलता को कैसे प्रदर्शित केवल कहने से नहीं करके दिखाया जाता है। और आज जो यहाँ की जनाकांक्षा थी, क्योंकि यह लाइन जो है वो बिल्कुल झारखंड का लाइफ लाइन है, तो इस लाइन को उन्होंने चालू किया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक लोग सुरक्षित हैं तब तक यह लाइन चलता रहेगा और लोगों की भावना के अनुरूप सरकार काम कर रही है। इसलिए यहाँ के सभी लोग, सभी मीडिया के साथी, आंदोलनकारी, जो जो लोग, जिन लोगों ने भी परोक्षम रूप से इसका समर्थन किया है, साथ दिया है, सब लोगों को मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपने बधाई भी देता हूँ। अपने माननीय सांसद, दोनों सांसद हैं, सभी विधायक हैं और अपनी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री, सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जनता की तरफ धन्यवाद देना चाहेंगे। इस क्षेत्र के जनभावना को देखते हुए पुनः रेल चालू परिचालन करने का निर्णय लिया है। ये सच्चाई है कि आज कांग्रेस के 70 वर्षों के मतलब कार्यकाल में अग्नि प्रभावित क्षेत्र हुआ है, 8 जो लगा था गलत रिपोर्टिंग के कारण, जो डीजीएमएस और बीसीसीएल द्वारा गलत रिपोर्टिंग किया गया था सरकार के पास, सरकार से हम लोगों के माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन भी मैंने रेज किया और विधानसभा के माध्यम से इसका जांच पूरा करवाने का काम किया और जांच के दरमियान आया कि किसी प्रकार का कोई क्षति रेल परिचालन से नहीं हो सकती। इसलिए आपने देखा होगा, आप लोगों के द्वारा भी आप लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया और वहां से पीपी सिंह को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उसमें रिपोर्ट किया गया कि आपने रेल मंत्री से बात करके इसको पुनः चालू करवाया था और इसका शुरुआत हुआ और यहाँ से कोयला मंत्री, रेल मंत्री से बात करके, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके, हम लोगों ने भी कई बार हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद डीएन सिंह जी के नेतृत्व में, राज सिन्हा जी थे, सारे लोग थे, हम लोग जाके फिर मिले रेल मंत्री से और उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोग बहुत जल्द इसका प्रयास करेंगे, चालू करेंगे। और मैंने शुरू से ही डीजीएमएस और बीसीसीएल का विरोध करने का काम किया, पूरी साजिश के तहत बंद किया। जी जी, पूरी साजिश के तहत, ये बीसीसीएल और डीजीएमएस का साजिश था कि हम कोयला उत्खनन करेंगे। मगर कैसा अनुभव जो है, देखिए ये क्षेत्र के जनता का मेहनत का फल है, आंदोलन का फल है और आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए जो जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र के जनभावना को समझा और जनभावना के रूप चलने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार को हम इस क्षेत्र के माध्यम से, इस क्षेत्र के लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे, राज्य सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र के जनभावना को समझते हुए पुनः कोयला निकाले, आग लगावे, पानी गिरावे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा जो डिमार्केशन है रेल का, उसमें हम चाहते हैं माननीय विधायक गुरु महतो जी से, आदरणीय सांसद पुष्पतिनाथ सिंह के जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग कोयला भवन में हो और जो जो इससे प्रभावित नेतागण है उनको वहां पर उपस्थित रहना होगा और बीसीसीएल को कह दिया जाए खुलेआम, जैसे यहां नारा लगा रहे हैं ना, वैसे करना पड़ेगा। तो वहां पर साफ साफ कहना पड़ेगा ये डीसी लाइन यहां के लिए लाइफ लाइन है, ये हार्ट और किडनी दोनों है, अगर हार्ट और किडनी को छूने का काम करेगा तो यहां की जनता कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी कीमत में। और आग आपने लगाया है, रेलवे में नहीं लगाया, सांसद महोदय और विधायक महोदय ने नहीं लगाया, न ढुल्लू बाबू ने आग लगाया, आग आपका लगाया हुआ है और आग आप कैसे बुझाएंगे ये आपका चिंतन है, और नहीं तो फिर हम लोग लाइन्स को बंद कर देंगे, साफ बात है, एकदम बंद हो जाएगा और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, इसे याद रखिएगा। अगर जिनको याद हो रहा हमने कहा था
कि हमारे लास्ट पर से लाइन कटेगा। और आज मैंने भी कहा था कि शायद हम शांति से मर नहीं पाएंगे अगले रेल लाइन में चालू हुआ तो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मिश्रा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं।